नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गाइस, मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर बताया था कि मार्केट जो है दोस्तों यहाँ पे बड़ा गिरावट में देखने को नजर आ सकता है, और दोस्तों आज वही यहाँ पे देखने को मिला है। बड़ी जो गिरावट है दोस्तों आज 5.31% के रिटर्न पर देखने को नजर आई। तो क्या दोस्तों अब कमेंट्स ये देखने को मिल रहे कि क्वार्टर टू के रिजल्ट में भी क्या गिरावट नजर आएगी, साथ ही साथ कल के मार्केट को लेकर अभी के टाइम क्या आउटलुक से यहाँ पे रहने वाली है, और अभी के टाइम क्वार्टर टू का जो टारगेट है और जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलने वाला है। तो टोटल जो जानकारी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखना है। फिलहाल दोस्तों अगर आज की ओपनिंग की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ओपनिंग दोस्तों 97.60 रुपये के साथ यहाँ पे देखने को मिली थी, और 97.65 रुपये तक जंप देखने को नजर आया। पर 94.05 रुपये तक मार्केट लगातार जो है दोस्तों गिरावट पर देखने को नजर आया। क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो 94.50 रुपये पर क्लोजिंग देखने को मिली। इस बीच रिटर्न की गिरावट देखने को मिली है 5.31% की, जो सिंगल इंट्राडे के ऊपर दोस्तों जो रिटर्न है बड़ी टूटती हुई देखने को मिली है। लास्ट पिछले 5 ट्रेड की अगर बात की जाए दोस्तों उसमें अभी के टाइम जो है लगातार जो गिरावट का जो फंडामेंटल है वो वापस शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो लगातार कंपनी जो है अच्छी खासी तेजी की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पे देखने को नजर आई थी। क्योंकि दोस्तों लास्ट एक महीने की बात की जाए तो 108 रुपये तक भी जंप अच्छा खासा देखने को मिला, पर उसमें भी दोस्तों अभी के टाइम जो है गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों अगर आज देखा जाए तो दोस्तों टोटल इंडियन जो मार्केट है, जो इंडियन अर्थव्यवस्था है, उसी पर दोस्तों बड़ा जो क्रेश है वो यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम से लगातार जो है दोस्तों US जो मार्केट है वो गिरता हुआ देखने को नजर आया। साथ साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप भी आज बड़ा गिरावट पर देखने को नजर आया, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम जो मार्केट कैप देखने को मिला था दोस्तों वो यहाँ पे देखा जाए तो सीधे सीधे दोस्तों 19,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला था, जो आज 18,500 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो सीधे सीधे लगातार जो है मार्केट कैप में भी बड़ी गिरावट नजर आई है। बात की जाए दोस्तों पिछले 5 दिनों की, तो पिछले 5 दिनों में दोस्तों अभी के टाइम 4.21% की रिटर्न पर गिरावट देखने को नजर आई है। रही बात दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट की, तो अभी के टाइम दोस्तों इस सप्ताह में दोस्तों कंपनी जो है क्वार्टर टू को लेकर बोर्ड मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। कभी भी दोस्तों बोर्ड मीटिंग को लेकर अनाउंसमेंट आ सकती है, उसके बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने के बाद कंपनी की जो फाइनल क्वार्टर टू की जो रिजल्ट्स की जो डेट है वो सामने आप लोग को नजर आ जाएगी। पर अभी के टाइम आउटलुक से देखने को मिल रही है कि लगभग जो है दोस्तों क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो 20 से 21 अक्टूबर के आसपास आप लोग को देखने को नजर आ सकता है। तो फिलहाल कंपनी की जो है आउटलुक से देखने को मिल रही है, एक्सपर्ट की जो राय है यही देखने को मिल रही है। और रही बात दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के में गिरावट की, तो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में जो है गिरावट आप लोग को देखने को नजर आ सकती है। पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में दोस्तों जो है यहाँ पे गिरावट जो है वो कम देखने को नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो लास्ट जो 6 महीने में जो रिटर्न अच्छे खासे मल्टी वगैरह यहाँ पे देखने को नजर आए, सेल्स की ग्रोथ में जो इंप्रूवमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिला, और जो है दोस्तों प्रॉफिट की जो ग्रोथ थी वापस यहाँ पे रिकवर होती हुई देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी के दोस्तों जो ROC और ROE दोनों में जो है सुधार काफ़ी अच्छा देखने को नजर आया, कि दोस्तों अगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उनमें दोस्तों लास्ट 6 महीने में जो सुधार देखने को नजर आया, तो इसके चलते कंपनी आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट में दोस्तों क्वार्टर टू में नहीं पर आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा सकती है। टारगेट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर कर सकती है। पर अभी के टाइम दोस्तों क्वार्टर टू में जो है गिरावट आप लोग को देखने को नजर आ सकती है, पर क्वार्टर वन के मुकाबले दोस्तों क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा बेटर यहाँ पे होने वाला है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दो, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से लाइक कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल अगर आज के कारोबार की अगर बात की जाए तो कारोबार आज अच्छा खासा देखने को मिला। 49,80,647 शेयर का आज का कारोबार यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें दोस्तों अगर आज देखा जाए तो दोस्तों जो वैल्यू आज की नजर आए ट्रेड की वो 4,770 लाख की यहाँ पे देखने को मिली। दोस्तों पर कारोबार में देखा जाए तो बाइंग ऑर्डर जो देखने को मिला वो 2.5 लाख शेयर का यहाँ पे देखने को नजर आया, जो अलग अलग प्राइस पर होने वाला है। सेलिंग क्वान्टिटी दोस्तों 12 लाख की यहाँ पे देखने को मिली, जो काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर आई, क्योंकि दोस्तों इसके चलते भी कुछ जो है बड़ी गिरावट देखने को नजर आई है। रही बात दोस्तों निफ्टी 50 में देखा जाए तो उसमें भी बड़ी जो गिरावट आज यहाँ पे नजर आई है। लगातार दोस्तों US मार्केट जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 से 3 रोज से, तो लगातार उसका असर जो है यहाँ पे इंडियन मार्केट पर काफ़ी बड़ा देखने को नजर आए। और बात की जाए दोस्तों आज के डिलीवरी की, तो 48.72% की जो डिलीवरी है वो आज देखने को मिली। क्वान्टिटी का ट्रेड यहाँ पे देखने को नजर आया 41,26,517 शेयर पर अभी टाइम दोस्तों रही बात दोस्तों कल के आउटलुक्स के, तो कल मार्केट में दोस्तों लगातार जो है गिरावट आप लोग को देखने को मिलती है। कल दोस्तों इंडियन मार्केट अगर यहाँ पे क्रेश
एमबीएस रुकता है, तो उसमें दोस्तों देखा जाए तो टीटीएमएल में वापस जो है जो गिरावट है वो यहाँ पे कम नज़र आ सकती है। पर दोस्तों कल टीटीएमएल में गिरावट आप लोग को देखने को नज़र आएगी, क्योंकि दोस्तों अगर आज यहाँ पे देखा जाए तो सेलिंग ऑर्डर बढ़ा नज़र आए। पर दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग अगर फाइनल होती है तो उसका कुछ नतीजा कुछ अलग हो सकता है, उसके बाद कंपनी का जो है जो बदलाव है कुछ और देखने को नज़र आ सकता है। और कल दोस्तों अगर देखा जाए तो आउटलुक जो रहने वाली है 92 रुपये तक मार्केट गिरने का चांसेस यहाँ पे रहने वाला है और 98 रुपये तक जंप का यहाँ पे चांसेस रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई भी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उस जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।